गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन बदमाश पिपराइच क्षेत्र में छिपे हुए हैं। सूचना के बाद पिपराइच और गोरखनाथ थाने की संयुक्त पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को घेर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई और गोली लगने से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं बाकी के दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। 14-15 तारीख की रात को पुलिस पार्टी के ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा थाना चौरी चौरा के अंतर्गत फायर किया गया था और मारपीट हुई थी, जिसमें थाना चौरी चौरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और थाना पिपराइच से उसकी विवेचना चल रही थी। उसी क्रम में आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जो तीन बदमाश हैं मोटरसाइकिल से जंगल धूसड़ थाना पिपराइच होते हुए शाहपुर की तरफ आ रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं। पुलिस पार्टी की वहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी और जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर उन्होंने फायर किया और जब इसमें बदमाशों का पीछा किया गया और जो अन्य थाने हैं उनको उनके द्वारा घेराव किया गया, तो इसमें थाना गोरखनाथ, थाना पिपराइच और SOG की टीम के द्वारा इनको रामपुर जो बंधा पड़ता है थाना गोरखनाथ में, वहाँ पर घेराव किया गया और जो एक बदमाश था उसको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी और जो अन्य दो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो गए। जो अन्य दो बदमाश हैं, जब पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, फिलहाल बदमाश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप की रिपोर्ट।